फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग तो जानते हो कि मैं अब वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कोई मेरा कोई भी कुछ करने वाला काम कुछ भी नहीं है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, सब कहते हैं कि कुछ महीना रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी डिलीवरी जब हुई तो मैं सारा घर का काम करने स्टार्ट कर दी, क्योंकि हस्बैंड से काम होता ही नहीं था, वो करना भी नहीं चाहते थे और मैं उनसे प्रेशर नहीं देना चाहती थी। तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया घर का। आटा, मतलब आटा सान, वो आटा वाटा रोटी बनानी होती थी तो आटा वो सान देते थे और रोटी मैं बना देती थी। तो गाइस, मैं एक वीडियो इसलिए, मतलब मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि हर माँ को ये पता होना चाहिए कि मतलब कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी माताएँ हो, प्रेग्नेंट हो, वो कभी भी अपने पेट में गैस ना बनने दें, क्योंकि गैस बनने की वजह से मुझे जो तकलीफ हुई है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को ऐसा दुख हो। और मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ हॉस्पिटल में, मतलब ऐसा ऐसा होने लगा कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, देख के उसे इतना रोना आ रहा था कि मैं एक माँ हूँ, शायद मेरी वजह से मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ़ आई है। मैं नहीं चाहती कि और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो। तो मैं आप लोग को ये बताती हूँ, कहते नहीं ये सब फेक नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे बच्चे के साथ हुआ है, मैं वो बताऊँगी। मेरा कोई करने वाला नहीं है और ना ही कोई था वहाँ पर हॉस्पिटल में, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं चलिए ठीक है, ये टॉपिक छोड़ते हैं। मैं जो बात है मैं वो सीधा सीधा बताती हूँ आपको कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि मेरा बच्चा उल्टा पैदा हुआ, और उल्टा पैदा होने की वजह से उसके पैर में पूरा सूजन हो गया था, राइट वाला पैर पूरा सूज गया था और पूरा ब्लू हो गया था, मतलब कि पूरा जांघ से लेके पूरा उसके पैर के लेग तक, मतलब पूरा ब्लू पड़ गया था उसका पैर। और जब वो हुआ तो मुझे पता भी नहीं कि ऐसी सी बात है, डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया, मतलब कि वो कहते ना जब हो रहा था तो शायद वो शॉक नहीं देना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपका बच्चा उल्टा हुआ है और उसका पैर सूज गया है पूरा। तो मतलब मैं जब सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना है। मैं सोची कि शायद मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई हो, मैंने शायद प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा खा लिया हो जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ़ हो गई हो। तो जब ये जब पैदा हुआ तो इसका पैर एकदम सूजा हुआ था, और ये मैं हॉस्पिटल में जब मैं थी, आप लोग जानते हो कि दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल है, मैं वहीं पर एडमिट थी और 8 दिन वहाँ पर ही थी मैं। 8 दिन मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं ही जान रही थी। तो 4 दिन, चौथे दिन या बाद मेरे पास, मतलब चौथा दिन जब था, 4 दिन बाद ये मेरे पास आया। जिस दिन ये हुआ, 12 मई को मेरा बेटा हुआ। आप लोग जानते हो मुझे बेटा हुआ है, इसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखते ही रहोगे आप लोग। तो फिर जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टर तुरंत ही इसे नर्सरी है वहाँ पर, नर्सरी 9, वहाँ पे लेके चले गए बच्चे को। मुझे देखने तक नहीं मिला कि मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। मैंने सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए, मैंने डॉक्टर से बात की, मुझे मेरा बेटा दिखा दो, कैसा है वो कैसा नहीं है। और जब चौथे दिन बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जाइए नर्सरी में दूध पिलाने बच्चे को, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ नर्सरी में दूध पिलाने के लिए गई, मुझे इतना, मैंने अपना बच्चा देखा, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं तो पहले पहचान ही नहीं पा रही थी कि मेरा बच्चा कौन सा है। वहाँ पे एक पर्ची थी, कांच जैसा था, उसी में ये लेटा हुआ था। और जब वहाँ पे पर्ची थी, वहाँ पे मेरा नाम था, मेरे हस्बैंड का नाम था और मेरा बेटा था, उसमें लिखा था बेबी बॉय। तो मैंने वो पर्ची पे ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम मेरा बेटा कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे के पैर में सूजन आई है और उसका पैर पूरा ब्लू हो चुका है और उसके पैर में पट्टी लगी है, तो आप तो जाके देख सकते हो। तो मैं जब अपने बच्चे के पैर को देखने लगी ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। जब मैं उसे ढूंढ के जब देखी, मुझे समझ आया कि यही मेरा बेटा है। और वहाँ पे मैंने देखा पर्ची में मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम था। और मैंने इसे जब देखा ना, मुझे इतना दुख हो रहा था, ये
ये वहां पे लेटा हुआ था, बिल्कुल भी पैर भी नहीं ला पा रहा था, उसके पैर में पूरी पट्टी बंधी हुई थी। और जब मैंने इसे गोद में लिया तो मतलब कि रोना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं इसे बहुत तकलीफ हो रही थी शायद उस समय। जब हमें ही कोई भी तकलीफ होती है हम तो एक दूसरे को बता सकते हैं ना, लेकिन ये किसी किसे बताएगा, बच्चा छोटा किसे बताएगा, ये तो सिर्फ रो सकता है वो अपना दर्द। अगर उसे भूख लगती है तब वो रो सकता है, कोई तकलीफ है बस वो रो सकता है, बता नहीं सकता छोटा सा बच्चा। तो ये बहुत रोने लगा जब इसे मैं गोद में लेके, वहाँ पे एक कमरा था वहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बहुत सारी औरतें आई थी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे। तो उसके बाद इतने इतने छोटे छोटे बच्चे होते थे, मतलब देख के इतने कमज़ोर बच्चे होते थे ना किसी किसी के। मेरा बच्चा 2 किलो का हुआ था। फिर जब मैं वहाँ पे ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बैठती थी ना, तो ये बिल्कुल भी आँखें ही नहीं खोलता था, ना ये दूध पीने के लिए अपना मुँह ही खोलता था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही लेटा रहता था, आँखें बंद किया रहता था। मैं सोचती थी मेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा कैसे रहेगा, वो कहाँ उसे दूध मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पे पाउडर का दूध वो लोग देते हैं। सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चे से मिलना, सिर्फ 5 मिनट के लिए मतलब मुझे मिलने के लिए दिए थे। उसके बाद वो लोग कहते कि अपने बच्चे को जहाँ से आपने उठाया वहाँ पर रख दीजिए। इसे ना बिल्कुल भी छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। इसका पैर जब मैंने देखा, मुझे इतना रोना वहाँ पे आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, मैंने सोचा मेरी वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ हो गई। मैंने प्रेगनेंसी में खाई बहुत सारी ख़राब चीज़ें, पानी पूरी ये सब बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे आपका एसिडिटी होगी, गैस होगी, आपका बच्चा बिल्कुल नहीं घूम पेट में, मतलब कि वो हलचल नहीं करेगा, घूम नहीं पाएगा। मेरे बच्चे का हेड ऊपर था, पैर से हुआ वो, बहुत तकलीफ से मतलब मैं गुजरी। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था मुझे देखने वाला कि मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं किसी को अपना दुख नहीं बता पाती थी, बस मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, मैं अकेले। 4th दिन बाद जब ये मेरे पास आया ना, मुझे बहुत सुकून मिला। रोज़ जाती थी मैं इसे ब्रेड मतलब कि दूध पिलाने रोज़ जाती थी। इसका पैर देखती थी ना पूरा ऐसे ब्लू पड़ा रहता था। और जब मैं नर्सरी से इसको छोड़ के आई बाहर, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, मैं उनको रो रो कैसे बताने लग गई कि बच्चे का पैर, वो पैर बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा, पूरा उसका पैर ब्लू पड़ा हुआ है, रो रहा था जब मैं आ रही थी। तो सच बता रही हूँ, जब हम खुद माँ बनते हैं ना तब पता लगता है कि क्या होता है क्या नहीं बच्चे का दर्द। वैसे तो हम सुनते हैं किसी के भी मुँह से तो नहीं, लेकिन एक माँ के ऊपर क्या बीतती है ना वही जानते हैं। लेकिन अब भगवान की वजह से, भगवान जी ने ना मेरा बहुत साथ दिया। अब मेरा बच्चा बहुत ठीक है, उसके पैर का पैर सब कुछ एकदम ठीक हो गया नॉर्मल बच्चों की तरह। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो और ना ही माँ को कोई तकलीफ हो। इसीलिए बस आप लोग से इतना विनती करती हूँ कि अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो हर माँ, और बिल्कुल भी अपने पेट पे गैस मत बनने दीजिए, बहुत तकलीफ होती है। स्टार्टिंग में तो मेरा बच्चा मतलब मूवमेंट कर रहा था, घूम रहा था, लेकिन जब 8वां महीना लगा ना तब बिल्कुल भी नहीं। मेरा बच्चे का हेड ना ऊपर ही रहता था, मुझे ऐसा फील होता था कि शायद ऊपर है बच्चे का हेड। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को मेरी डिलीवरी स्टोरी भी बताऊँगी कि 8 दिन मैं वहाँ पर कैसे थी, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ वहाँ पर, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब कि इतनी बहुत बुरा वक्त था वो। जब बच्चा होने का समय था ना बहुत खुशी थी, बहुत सब कुछ एकदम अच्छे से था, लेकिन जब ये हुआ ना हमेशा टेंशन रहता था। और पता है पैर टू खास करके बाद मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगी, जिससे मुझे सुन के इतनी तकलीफ हुई थी, मैं सोची मेरे बच्चे का फ्यूचर तो बहुत ख़राब हो जाएगा, क्या होगा उसके साथ, कैसे रहेगा वो, मतलब मैं एक वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप
लोग को इतना कहती हूँ कि प्लीज़ प्रेगनेंसी में कुछ भी गलत फूड बिल्कुल ना खाइए, जिससे आप तो खाएंगे आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन फिर वो आगे चल के बच्चे को तकलीफ देगा। मैं चाहती हूँ आप भी चाहते हो ना कि अपने हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, सब कुछ अच्छा हो, कोई तकलीफ ना हो। और पता है सफदरगंज हॉस्पिटल में ना 8 दिन मैंने तो देखा, एक औरत थी, मतलब हमारे वार्ड में थी, मैं PMC वार्ड में थी लास्ट में, वहाँ पे 2 महीने वो औरत रुकी थी। कह रहे थे उसके बच्चे को मतलब कि दौरे आते हैं, बेचारी उसके ऊपर क्या बीत रही थी, वो 2 महीने वहाँ पे थी। और जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन वो भी गई, वो 2 महीने बाद गई और मैं 8वें दिन पे गई। तो गाइज मैं आप लोग को अपना पूरा डिलीवरी स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। मेरा बेटा आज बहुत ही अच्छा है, अभी तो सो रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। और गाइज मैंने इसका नाम रुद्र रखा है। रुद्र नाम कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे प्यार से बुलाने के रुद्र है, और वैसे स्कूल में अगर हम इसका नाम लिखवाएंगे, जन्म पत्री होती है ना बच्चों की, वो करवाएंगे, तो हम इसका नाम ऋषि रखेंगे। तो ये दोनों नाम कैसे लगे आप लोग को ज़रूर कमेंट में बताना।